नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनवार नगर पंचायत क्षेत्र में व्याप्त समस्या के समाधान को लेकर प्रशिक्षु आईएएस सह कार्यपालक पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रबुद्ध नागरिक शामिल थे। इस दौरान उपस्थित लोगों से जलापूर्ति, यातायात तथा राजस्व आदि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में खराब पड़े चापा नल जल्द ही ठीक करने, साफ सप्लाई पाइपलाइन का विस्तार सहित कई बिंदुओं पर जनता राय लेते हुए तत्काल समाधान का भरोसा दिया। गर्मी में पानी की कमी होने पर पानी की टैंकर से जलापूर्ति करने, धनवार के बड़ा चौक से गांधी चौक तक आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, इसके लिए सभी गाड़ियों का ठहराव बस स्टैंड में लगाने, ऑटो को उतार चढ़ाव मुख्य मार्ग में नहीं कर सकते हैं लेकिन ठहराव स्टैंड में ही करना आदेश दिया, बड़े वाहनों का धनवार का रेलवे ओवरब्रिज से गांधी चौक तक ठहराव पर रोक सहित बाइक पार्किंग के लिए प्राइवेट जमीन टेम्पररी पार्किंग की व्यवस्था की पहल की गई, ताकि लोग बाजार में अपनी सुविधा अनुसार मार्केटिंग कर सके। वही सरकारी तालाबों का सर्वे कराने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व को लेकर कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स ट्रेड लाइसेंस के लिए अंतिम 7 दिनों का मोहलत दिया गया है, जो 7 दिनों के भीतर टैक्स नहीं जमा करते हैं वैसे लोगों पर नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत में साफ सफाई पर विशेष ध्यान सिटी मैनेजर व सुपरवाइजर को जिम्मेदारी दी गई है। लोगों ने धनवार नगर पंचायत में शव का दाह संस्कार के लिए सरकारी लकड़ी डिपो की मांग की, जिस पर पदाधिकारी पहल का भरोसा दिए। आज 4 मार्च को हमने एक आम सभा बुलवाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए तो वार्ड पार्षद नहीं है, तो हमें एक तरह से शहर से इनपुट चाहिए था, हमारी जो चीज़ें थी वो डिस्कस करनी थी, तो 3-4 मेन मुद्दों पे बात हुई। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर थोड़ा सा है, जिसको लेके हम लोग बाइक की पार्किंग के लिए लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि और सबसे रिक्वेस्ट है कि उसी के अंदर पार्किंग किया जाए। दूसरा चीज़, हमें पार्किंग स्थल आइडेंटिफाई करें अलग जगहों पे, ताकि लोग वहाँ पे गाड़ियाँ लगाएं, रोड पे ना लगाएं। और इसको इन्फोर्स करने के लिए हम लोग 1 से 2 लोग रखने वाले हैं जो रोड पे घूमेंगे, फाइन काटेंगे। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो चिन्हित स्थल है वहीं पर बाइक लगाएं, आड़े पेड़ सा बाइक ना लगाएं, रोड पे बाइक ना लगाएं, और अगर ये किया जाएगा तो फिर सबको फाइन कटेगा, इसकी जिम्मेदार आप ही होंगे। दूसरी चीज़, हम लोग प्लास्टिक बैन ऑलरेडी है, इसको हमें इन्फोर्स करने वाले हैं, इसके समय समय पर रेड्स होंगे, दुकानों से 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा अगर प्लास्टिक मिलता है वहाँ पर। तो मुझे दुकान वालों से भी दरख्वास्त है कि आप प्लास्टिक छोड़ दें, और उसी जगह पे जो अल्टरनेटिव है, चाहे कागज़ है, चाहे जूट बैग है, थैला वैला है, उसको आप रखें। आम लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लास्टिक की मांग ना करें, प्लीज़ अपने घर से थैला लेकर के, इससे आपका खुद का शहर साफ रहेगा, खुद की नालियाँ जाम नहीं होंगी, जब बारिश का मौसम आएगा तो वहाँ पानी नहीं भरेगा। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च किया है, जिस पे लोगों से शिकायतें और समस्याएं हम वहाँ रिसीव करेंगे, उनका सब समय निष्पादन किया जाएगा। यहाँ पे मेनली सफाई के लिए काफ़ी शिकायतें हुई हैं, उनको हमें डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो पानी की समस्या होती है, तो धनवार नगर पंचायत में लगभग 150 चापाकल हैं, जिनमें से कुछ 70 के रिपेयर की ज़रूरत है। ये हमने चिन्हित कर लिए हैं, और ये लिस्ट भी हम पब्लिक डोमेन में डाल देंगे कि कोई चापाकल अगर छूट गया है तो वो वहाँ पे ऐड करवा दिया जाए, ताकि हम लोग 2 से 3 हफ्ते में इसका रिपेयर मोटा मोटी कर लिया जाए, जो हाई प्रायोरिटी में चप्पल उनका रिपेयर कर लिया जाए। बाकी 3 टाइम तक यहाँ पे 4-4 हज़ार लीटर के और इरिगेशन से पानी आता है, तो उन सब पे चर्चा हुई थी, और जो भी चीज़ें, जो भी निष्कर्ष निकले इन सबको हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा एक तरह से एक सौहार्द बनाने के लिए, लोगों से इनपुट लेने के लिए और माहौल गेज करने के लिए, समझने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। वी टाइम न्यूज़ के लिए राजधनवार से प्रदीप मोदी की रिपोर्ट।